नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 25th एपिसोड में। यह सिल्वर जुबली एपिसोड है और इसलिए यह एक स्पेशल एपिसोड है। इसको मेमोरेबल बनाने के लिए आइए आज आपको लेकर के चलते हैं पोलैंड के क्रकाओ में। क्रकाओ की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, बहुत अच्छे तरह से लोकेटेड है। इसके साउथ में चेक और स्लोवाक हैं, ईस्टर्न साइड में यूक्रेन बेलारूस, वेस्टर्न पार्ट में जर्मनी है और नॉर्थ में बाल्टिक सी। क्रकाओ पहुंचने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। क्रकाओ एक एयरपोर्ट भी है जहां यूरोप के अलग-अलग जगहों से फ्लाइट्स आती हैं और क्रकाओ में रेलवे स्टेशन भी है। सो आना चाहें तो रेलवे, अगर यूरोप का कहीं और का ट्रिप भी बन रहा हो तो ट्रेन से भी क्रकाओ पहुंचा जा सकता है और फ्लाइट से भी यहां पहुंचा जा सकता है। बात करते हैं क्रकाओ के टूरिस्ट अट्रैक्शन की। वावेल कैसल और देखने की जो चीजें यहां पर हैं उसमें ओल्ड टाउन, सेंट मेरीज कैथेड्रल, और यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज जो है वो है वेलिजिका सॉल्ट माइंस। यह सेंट मेरीज चर्च है जो ओल्ड टाउन के सेंटर में है और ओल्ड टाउन में जो मेन मार्केट स्क्वायर है वहां पर यह चर्च है। इसे 13 से 14 सेंचुरी के बीच बनवाया गया था। इसके हाइट की बात करें तो लगभग ये 80 मीटर टॉल स्ट्रक्चर है और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, इस चर्च के साथ पूरा का पूरा ओल्ड टाउन भी फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। इस चर्च का कुछ भाग 1442 के अर्थक्वेक में कोलैप्स कर गया था जिसे बाद में रिबिल्ट किया गया। ये बता दें कि ये चर्च और ये मार्केट प्लेस और ये ओल्ड टाउन क्रकाओ का आइकॉनिक प्लेस है। ये स्ट्रक्चर वावल कैसल है। इसे किंग कैसिमीर थर्ड ने बनवाया था और इस कैसल के आसपास और कैसल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं जिनमें इस वावेल कैथेड्रल इस कैसल के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस वावेल कैसल जो है यह सैकड़ों सालों तक पोलैंड के राजाओं का महल रहा है। हर राजा यहीं से पोलैंड पर शासन किया करता था। 1930 में 1930 में यहाँ पर एक आर्ट म्यूजियम को एस्टैब्लिश कर दिया गया। इस कैसल में आर्ट के अलावा तलवारों और हथियारों का, उस समय जो हथियार यूज हुआ करते थे, उसका कलेक्शन भी अवेलेबल है जो ऑन डिस्प्ले है। क्रकाओ 1596 तक पोलैंड का ऑफिशियल कैपिटल था। पुराने जमाने में इसको, या यूं कहें कि सबसे पहले इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा देता है, सबसे पहला साइट क्रकाओ का ओल्ड टाउन ही था। और वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी ने क्रकाओ को जब इन्वेड कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था, तो वो जर्मनी के जनरल गवर्नमेंट का कैपिटल भी बन गया था। और 1945 तक इसको वो कैपिटल था जहां सोवियत ने उसको आजाद कराया और सोवियत का इस पे कब्जा हो गया था 1989 तक। Old Town Krakow in Poland. This is St. Mary's Church, Basilica.
आकांक्षा। ओल्ड टाउन वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। यहाँ की आउटडोर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। यहाँ पर कैफे, रेस्टोरेंट्स, घोड़े गाड़ी, घोड़े तथा बहुत सारे कबूतर भी देखे जा सकते हैं। ओल्ड टाउन के पास क्या मॉल, गैलेरिया मॉल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रात के समय में इसकी लाइटिंग्स और जो इल्यूमिनेशन होता है वो जबरदस्त है। ऐसा सुंदर दृश्य बहुत ही कम जगह ही मिलता है। इस गैलेरिया मॉल में जरूरत की सारी चीजें अवेलेबल है, छोटी से छोटी चीजें जैसे ब्रांडेड शूज से लेकर के बर्गर तक, सारी जरूरत की चीजें इस क्रोकाओ के गैलेरिया मॉल में अवेलेबल है। आइए अब बात करते हैं क्रोकाओ के उस अट्रैक्शन की जो शायद पोलैंड में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। यह है वैलिस्का सॉल्ट माइंस। वैलिस्का सॉल्ट माइन जमीन की सतह से 100 मीटर से भी ज्यादा नीचे है और नीचे तक जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। लकड़ी की सीढ़ियां हैं तो जिन्हें चलने में दिक्कत हो वो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकता है। क्रोकाओ से इस जगह पर बस से पहुंचा जा सकता है और साथ में टिप यह है कि बस से जब जाएं तो रिटर्न का टिकट पहले ही ले ले। सीढ़ियां जो लगभग 800 सीढ़ियां हैं, 800 सीढ़ी नीचे उतर करके इस माइंस में पहुंचा जा सकता है। यह प्रैक्टिकली सॉल्ट माइंस था जिसे 13th सेंचुरी से ही सॉल्ट निकाला जाता था और बिल्कुल हाल फिलहाल तक 2007 में ही इसे सॉल्ट निकालना बंद कर दिया गया। इस तरह से ये दुनिया का सबसे पुराना ऑपरेशनल सॉल्ट माइन बन गया है। अब ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। सॉल्ट माइंस के बीच शाफ्ट से बने हुए रास्ते, अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज, बहुत सारे रेस्टोरेंट, मूर्तियां, सॉल्ट क्रिस्टल के शैंडलियर्स और इन सारी चीजों को जमीन के नीचे देखकर बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है। द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन सॉल्ट माइन। सॉल्ट का बना है, देखा हुआ ये सारा कुछ भी धीरे धीरे पहुंचे, सारा कुछ सॉल्ट का ही बना हुआ है। और ये अंडरग्राउंड चर्च है इनका, इसके अंदर सब कुछ जितनी सारी चीज़ें बनी हैं, स्टैचू और सारा कुछ सॉल्ट का बना करके रखा है इन्होंने। ये सब ब्लैक सॉल्ट का बने हुए हैं, चैंडलर्स व्हाइट सॉल्ट का है। ब्यूटिफुल अंडरग्राउंड। ये हम लोग 102 मीटर्स नीचे हैं इस वक्त। सॉल्ट माइंस में पूरा का पूरा टूर करें तो ये लगभग 3 किलोमीटर का एक गाइडेड टूर है। और माइंस से बाहर निकलने के लिए लेफ्ट। जमीन के अंदर चर्च से लेकर रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। रेस्टोरेंट की बात करें तो जमीन के 100 मीटर नीचे इमेजिन कीजिए खाने की सारी चीजें उपलब्ध है,
आइसक्रीम से लेकर चिकन बर्गर तक सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट की भरमार है और मुझे तो कुछ हिंदी बोलते वाले लोग भी मिले। देखिए ओलका का क्या कहना है। ये ओल्गा ना है। मैं चंदिनी। ओके, तो सारे दोस्ती और जर्मनी को बहुत बधाई। तो मैं आपसे लोग मिलकर बहुत खुशी ये हूँ। ओल्गा है, यूक्रेन से है, हिंदी बोलती है, सोशल सर्विस कर रही है और ये रेस्टोरेंट में हमारे इसको मिली हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हर हियर। थैंक यू ओल्गा, थैंक यू सो मच। रोमांच भरे खूबसूरत अनुभव के बाद चलिए अब चलते चलते कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे दें। क्रकाओ सीजन के समय बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ऑलमोस्ट अप्रैल से लेकर मई जून तक यहाँ का सीजन होता है, पर अक्टूबर से नवंबर तक बेस्ट टाइम हो सकता है, जो चीप भी हो और बहुत अट्रैक्टिव जगह भी हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, हो सके तो क्रकाओ पास ले लें। सॉल्ट माइंस को कभी मिस ना करें और वेलिस का जाने के लिए बस में आने जाने का टिकट एक साथ ही ले लें। सो फ्रेंड्स, एंजॉय वेल, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं अगली बार किसी और डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।